हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट टू लेके आया हूँ, न्यूमेरिकल्स का। पार्ट वन में आप लोगों ने सम्स देखे थे, जिसमें हम 30, 45, 60, 90 जो वेल नोन वैल्यूज है साइन कॉस की, उसका यूज़ किया था। उसके बाद मैंने आपको वो वाला भी एक मेथड दिखाया था, जिसमें ट्राइंगल में आपको यूज़ करना है परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेनियस कैसे है, और उनके रेशियोज फाइंड करने हैं, वो वाला। ओके, अब एक और मेथड है, मैंने बताया था आपको, प्रॉमिस किया था इसे, उसको पहले देख लेते हैं, फिर इसकी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज और फिर उसके रिलेटेड कुछ सब्स। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करने से पहले, जो हम पिछले वीडियो में कर चुके वो दो मेथड के सम को एक बार रिकॉल कर लेते, ताकि आपको याद आ जाए। तो ऐसा हमने एक सम किया था जिसमें हम वैल्यूज रखते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 है, यहाँ पे sec स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर 45 डिग्री है। तो यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, माइनस sec 30 की वैल्यू, तो sec 30 की वैल्यू जो है वो आएगी 2, राइट? रॉन्ग, 2 नहीं आएगी, 2/√3 आएगी। तो ये दोनों की वैल्यू रख दी, अब अपॉन में cosec स्क्वायर 45, तो उसकी वैल्यू जो है ऊपर जो है एलसीएम लीजिए, 4 यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे 16, 3 3 9, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई 4 3 12 और अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो 9 - 16 क्या होगा, -7, ये 12 नीचे 2 के साथ चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और फाइनल आंसर हमारा बनेगा -7/24। ओके, याद आ गया, इजी है। नेक्स्ट, यहाँ पे दो मेथड से सम सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन देख लो, क्या बताया, 8 cot θ = 15, फाइंड 8 cos θ - 7 sin θ अपॉन 8 cos θ + 7 sin θ। तो पहले तो इसमें से हम कर रहे हो क्या, सबसे पहले तो cot θ = 8 सामने चला जाएगा, तो 15/8 बन जाएगा। अब इसको जो हम लास्ट टाइम सीखे थे वो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाओ यहाँ पे ABC, इसको समझ लो थीटा, cot जो है, तो cot में आपको क्या आता था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये 15 ये 8 ऐसे समझोगे, फिर आप पाइथागोरस से निकालोगे तो 17 आएगा, फिर साइन कॉस की वैल्यू निकालोगे, इसमें रखोगे और आंसर लाओगे। पर इससे अच्छा अगर मैं एक ट्रिक सिखा दूं आपको, जिससे हम इजीली कर सके, तो पर वो सीखने के लिए पहले आपको एक बार ये सारी आइडेंटिटीज देखनी होगी। तो आइडेंटिटीज में पहली चीज तो है बहुत ईजी, हमें पता है साइन कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, वो दोनों आपको मैंने तभी बता दिया था जब टेबल बनाना था, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो जो हमारा सबसे पहला। तो साइन 90 - थीटा तो क्या होता है, कॉस, ठीक है, ये आइडेंटिटी। तो अगर साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 - साइन, जैसे ये दो की पैर है, वैसे कॉसेक और सेक में, कॉसेक 90 - थीटा सेक, सेक 90 - थीटा कॉसेक, वैसे ही टेन कॉट की पैर है, जिसमें टेन 90 - थीटा कॉट और कॉट 90 - थीटा टेन। ओके, ये बेसिक आइडेंटिटी। फिर आप लोग को जब टेबल बनाया था तब मैंने बताया था कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो कॉसेक इक्वल टू 1/sin, वैसे ही साइन इक्वल टू 1/cosec एक दूसरे के रेसिप्रोकल, वैसे sec जो है वो यहाँ पे क्या आएगा, cos थीटा, और जैसे sec, जैसे sec इक्वल टू 1/cos θ, वैसे cos इक्वल टू 1/sec θ, tan इक्वल टू 1/cot, cot इक्वल टू 1/tan, तो ये सारे रेसिप्रोकल सारे। फिर tan जो के टेबल में जो मैंने सिखाया था टेन जैसे बनाया, उसमें लिखा था मैंने साइन अपॉन कॉस, साइन और कॉस का डिवाइड करके मैंने वैल्यू लिखवाई थी, इसलिए उसका एक है आइडेंटिटी साइन अपॉन कॉस, तो कॉट उसका रेसिप्रोकल है, उसमें क्या आएगा, कॉस अपॉन साइन। अभी इसको फोकस करके रखना, इसका अभी हम यूज करने जा रहे हैं। ओके, उसके अलावा तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, इसको मोस्ट आईएमपी डिक्लेयर कर देते हैं, आईएमपी नहीं, तो ये जो है ना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 एटी आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये तीन का यूज
प्रूव दैट वाले सम में बहुत होगा, और इसका तो काफी सारे मेथड में यूज हो सकता है। तो इसीलिए ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, और सबकी सब ऐसे याद रखनी, पर ये तीन तो बहुत ही खास, हो सके तो एक नहीं दो नहीं तीन बार लिख के आप याद करो, उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, तो एक चीज मैंने क्या बताया कि हम इसका यूज करेंगे, तो कॉट मतलब क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में देखो, हमें ये फाइंड करना है, अगर मैं हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस अपॉन साइन, यहाँ पे साइन अपॉन साइन, यहाँ पे कॉस अपॉन साइन, यहाँ पे साइन अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन की जगह हम क्या ले सकते हैं, कॉट साइन साइन, तो कर लो जाएगा, कॉट की वैल्यू हमारे पास है, डायरेक्ट पुट करो आंसर। तो ये सब आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कितना सारा आपका टाइम बच जाएगा। देखो फिर से बता रहा हूँ ये क्या करना है, इसमें आपको हमें जो फाइंड करना है उसको लिखते हैं हम। अब क्या कर देंगे, जितने भी टर्म है डिवाइड ईच टर्म बाय साइन थीटा, साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबको साइन से डिवाइड कर रहे ना, ऊपर भी नीचे भी, तो बैलेंस भी हो जाएगा, इसलिए कर सकते हैं। तो एट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस सेवन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, एट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस सेवन साइन थीटा अपॉन साइन, समझ में आ रहा है ना, बैलेंस हो जा रहा है। जैसे नीचे से साइन थीटा कॉमन निकालो, इधर से निकालो, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जब बैलेंस हो सकते हैं तभी ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ ऊपर आप साइन से डिवाइड करते हैं तो नहीं हो सकता। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करते हैं, कॉस अपॉन साइन क्या आएगा बच्चों, कॉट थीटा आएगा माइनस साइन साइन, तो कॉट, तो सिर्फ साइन बचेगा। यहाँ पे अपॉन में भी एट कॉट थीटा प्लस सेवन, ये हो गया हमारा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या करना है, सीधी इसकी वैल्यू रखनी है एंड यू विल गेट द आंसर। तो कॉट थीटा की जगह पे 15 अपॉन 8 माइनस 7, वैसे ही सेम नीचे 15 अपॉन 8 एंड प्लस 7, ये कैंसल, ऊपर बचा 15 माइनस 7, नीचे बचा 15 प्लस 7, फाइनल आंसर बनेगा आपका 8 अपॉन 22, जिसको हम और लीस्ट फ्रैक्शन में ला के 4 अपॉन 11 में लिख सकते हैं। दैट्स इट, समझ में आया। तो यही सम आप ये मेथड से करते तो अभी राइट ही होता, पर वो काफी लेंदी हो जाता। एंड वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क इन 10th बिकॉज वी हैव नॉट दैट मच टाइम इन द एग्जामिनेशन दैट यू कैन कंप्लीट द सम बाय दिस लेंदी मेथड। तो ये मेथड आपको काफी यूजफुल हो सकती है अगर ये सम एग्जाम में आता है तो। ओके चलो अब यहाँ पे हम नए मेथड वाले सम सीखते हैं, जो मैंने बताया था आइडेंटिटी के ऊपर से करना। तो ये वाले सम कौन सा आइडेंटिटी बेस्ड है, यस ये जो फर्स्ट सिक्स जो लिखे ना ब्लू कलर में, उसके बेस पे ब्लू क्वेश्चन ब्लू। ओके यहाँ पे साइन 61 माइनस कॉस 23। तो सबसे पहले तो इस तरह के सम में आपको एक चीज याद रखनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इसमें जितने टर्म दिए हो ठीक है वो सब में ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं करनी है। सुनो मेरी बात ध्यान से, दो टर्म दिए तो आपको हाफ कर, मतलब के कोई एक में ही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, समझ में आया। फिर अगर ऐसे ही चार टर्म दिए होते तो दो में, अब आप सोचो कि पांच दिए हो तो हाफ करो तो क्या होगा 2.5, तो इसलिए हम किसमें देखेंगे, टू में, ठीक है। तो मतलब के हम सब में अगर नहीं लगाएंगे वरना वही का वही वापिस आ जाएगा, इसलिए इस तरह के सम में है बहुत इजी, पर दो में से किसी एक में ही आइडेंटिटी लगाएंगे, किसी में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आगे वाले में, पर दो में से एक में ही लगानी है, दोनों में मत लगाना, या अगर चार टर्म हो तो चारों में मत लगाना। ओके जैसे बताता हूँ यहाँ पे, पहला सम आपको सॉल्व करके सिखा रहा हूँ, साइन 61 माइनस कॉस 23, तो दोनों में से कोई एक में लगानी है, बोलो इसमें लगाओ, इसमें 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 जल्दी बोलो जल्दी बोलो, इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 67 जो है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 90 माइनस कितना करो तो 67 आएगा, 23 करो तो आएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कॉस 23 तो आगे एज इट इज ही रहेगा,
तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो साइन 90 माइनस जो भी होता है वो सीधा क्या बन जाता है, कॉस। मतलब कि यहाँ पे जो है एंगल माइनस के बाद वो सीधा क्या कॉस के साथ लगेगा, मतलब साइन 90 माइनस जो भी है तो कॉस 23 माइनस कॉस 23, तो आंसर क्या आ गया, 0। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हमने ये वाली जो है वो आइडेंटिटी यूज की है। ओके, बहुत इजी है। और एक चीज बताऊँ, इसमें अगर ऐसे सिंपल सम हो गए ना ऐसे, तो ज्यादातर इस तरह के सम में 0, 1 या मैक्सिमम 2 आंसर आता है। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं जिसमें मैंने डिवाइड में रखा है और एक प्लस में, तो 3 टर्म हो गए। तो आप सोचोगे इसमें कितना रखना है, तो हाफ करो 1.5, मतलब कि एक में ही रखना आएगा। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से अगर देखो क्वेश्चन तो अभी पता चलेगा कि यहाँ पे एक वैल्यू क्या है, 60। मतलब हमारे जो टेबल वाली वैल्यू में से कोई भी आ जाए ना, तो वहां पे तो हमें ये मेथड ही अप्लाई करनी है, हमें हमारे वैल्यू पहले रख देनी है उधर, तो आपका आधा काम तो उधर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर 60 की वैल्यू है, तो मतलब के 2/√3 स्क्वायर। चलो इसका काम तो खत्म। अब ये दो बचे, ये दो में से किसी एक में ही रखना है। ठीक है, वापिस हम करते हैं अपर बक्कर, इसमें लगाते हैं। तो 10/50 में हम लगाते हैं, तो पहले तो इसको क्या करना है, 90 माइनस वाले फॉर्म में लाना है। तो 90 माइनस कितना करना पड़ेगा मुझे 50 लाने के लिए, ऑफ कोर्स 40 करना पड़ेगा ना। और नीचे तो कॉट 40 एज इट इज रहेगा, नीचे नहीं आइडेंटिटी रहेगी, दोनों में लगाओगे तो वापिस वहीं के वहीं आ जाओगे। इसलिए अब 10 90 माइनस कुछ भी होता है वो क्या बन जाता है, कॉट। यहाँ पे बन जाएगा 10 90 माइनस, मतलब फिर क्या है 40, तो कॉट 40/cot40। इसका स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर 4, इसका 3, यहाँ पे तो 1 हो गया। एलसीएम ले लो, ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई, 3 + 4/3, मतलब फाइनल आंसर आपका क्या बन गया, 7/3। इजी। ओके, थर्ड लास्ट, 10/5, 10/45, 10/85, फिर से वही कॉन्सेप्ट। पहले तो देख लो आपको जो क्वेश्चन दिया उसमें कोई भी आपकी वेल नॉन वैल्यू है हमारे टेबल में से, तो यहाँ पे एक दिख रही है 10/45। तो एक काम पहले हम इजी कर लेते हैं, 10/45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 इंटू कुछ भी, ऐसा डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई में ये सारे, ठीक है। तो 1 इंटू कुछ भी तो वही नंबर आएगा, जैसे 2 इंटू 1 करो क्या आता है 2, 10 इंटू 1 करो क्या आता है 10, वैसे इसके मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 10/5 ही आएगा। तो 10/5 × 10/85, चलो आधा काम तो हो गया। अब दोनों में से किसी एक में हमें लगानी है आइडेंटिटी, तो अब इस बार हम लगाते हैं पीछे वाले, मतलब 10/85 का। तो 10/85 में हमें लगानी है वैल्यू, तो सबसे पहले तो इसको 90 माइनस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब कि 90 - 5 होता है 85, मतलब। ओके, अब कुछ भी जो 90 माइनस हो वो क्या हो जाता है, कॉट। तो कॉट 5 हो जाएगा वो, क्योंकि 10 में है यहाँ पे से, तो 10/5 × cot5। अब क्या करना है, यहाँ पे सम खत्म नहीं हो रहा है, अब क्या करना है, और एक आइडेंटिटी यूज करनी है। क्या आइडेंटिटी यूज करनी है, तो देखो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या है, 1/cot थीटा है, मतलब कि रेसिप्रोकल है। तो हम 10/5 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/cot5। क्यों 1/cot5 लिखा, समझ रहे हो बच्चों, क्योंकि टेन जो है वो 1/cot होता है, ये आइडेंटिटी है, रेसिप्रोकल होता है उसका। तो यहाँ पे अब cot5 कैंसिल, 1 इज द आंसर। ओके, समझ में आ गया। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये सारे सम तो आपको नोट डाउन करने ही करने, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या करनी है आपको आज के वीडियो देखने के बाद, कि जितने भी आपने आइडेंटिटीज यहाँ पे देखे वो अच्छी तरह से लर्न करके नोट डाउन करना है, और फिर याद करना एक वर्कशीट जिन बच्चों के पास है ऑलरेडी मैंने दी हुई, उसमें से कुछ सम नहीं आए थे आपको वो अब आएंगे। ओके, तो ये वीडियो देख लो, फिर वो सम सॉल्व करने का ट्राई करना, फिर और नए सम्स मैं से ही देते रहूंगा। ओके, बाय।